जय हिंद, जय भारत मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने ख्याति क्लासेस में। ख्याति क्लास लेके आए आपके सामने एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 4। तो देखना, आपने अभी तक सभी क्वेश्चन यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लियर कर लिया था, तो आपने क्वेश्चन नंबर थर्ड सेकंड और फर्स्ट नहीं देखा है तो जल्दी से उसको देख लीजिए। अब देखो यहाँ पे क्या होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहना चाह रहा है उसको पहले अपन समझते हैं। यानी अपन ने क्वेश्चन यहाँ पे किया था, जो अपन ने किया था क्या था देखना, ऑब्टेन द वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल। यानी इसने क्या कहा है, ऑब्टेन द वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्सेस विथ द फॉलोइंग लेंथ ब्रीथ एंड हाइट। इसने क्या कहा है, लेंथ ब्रीथ और हाइट। और अपन इससे पहले क्वेश्चन पढ़ा था एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्या पढ़ा था, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। यानी इसने कहा है वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल, क्या कहा है, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, नहीं होता, मैं आपको बताता हूं, एल मल्टी बी मल्टी एच, यानी लेंथ मल्टी ब्रीथ मल्टी हाइट। वहां पे क्या था, वहां पे था एरिया ऑफ रेक्टेंगल था और लेंथ मल्टी ब्रीथ था, पेयर आपको दे रखे थे। अब यहां पे भी आपको पेयर दे रखा है इस तरह का, तो यहां पे तीनों बातें दे रखी हैं, लेंथ ब्रीथ और हाइट। तो किस तरह से आपको करना होगा, तो देखो यहां पे क्या करना होगा, प्रोडक्ट ही आपको करना है। तो देखो किस तरह से करते हैं, तो यहां पे किस तरह से करना देखना, तो यहां पे लिखना वी नो दैट, क्या लिखेंगे फिर यहां पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर, ठीक है, रेक्टेंगुलर बॉक्सेस। यहां पे क्या दे रखा है, बॉक्सेस दे रखा है, इसका लिखेंगे अपन L मल्टी बी मल्टी एच। अब किस तरह से करना है, L आपके सामने क्या दे रखा है, तो तीनों का मल्टीप्लाई, यानी 5A मल्टी 3A स्क्वायर मल्टी 7A पावर 4। तो देखना यहां पे डिजिट डिजिट अपन अलग लिख देते हैं, तो 5 मल्टी 3 मल्टी 7, ठीक है। फिर यहां पे क्या है, A मल्टी A स्क्वायर मल्टी A की पावर 4, ठीक है। अब क्या करना है, यहां पे 5 मल्टी 3 15, और यहां पे कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 15 सेवन जा कितना होता है 105, कितना होगा 105 होगा। तो यहां पे लिखेंगे 105, और यहां पे देखो A मल्टी A का स्क्वायर, यानी इसको अपन खोल के लिख सकते हैं, देखो ऐसे A मल्टी A स्क्वायर, तो A मल्टी A लिख सकते हैं, A की पावर 4 है, तो इसको भी A मल्टी A मल्टी A मल्टी A, यानी कितने A हो गए यहां पे, 1 2 3 4 5 6 7, यानी इसको अपन लिख सकते हैं A की पावर 7, क्या लिख सकते हैं, A की पावर 7। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं उसी तरह से क्वेश्चन नंबर सेकंड की, तो अब देखना मित्रों यहां पे क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने क्या लिखा है, 2P 4Q 8R। ये लैंग्वेज आपकी वो फिक्स रहने वाली, इसको कोई चेंज नहीं करना है मित्रों। अब किस तरह से करें देखो, यहां पे क्या हो जाएगा 2P मल्टी 4Q मल्टी 8R, इसको अपन किस तरह से लिख सकते हैं, देखो 2 मल्टी 4 मल्टी 8, ये तो आपको पूरा डिजिट डिजिट अलग कर दिया, और जो अल्फाबेट में जो है वो सभी अपन, यानी वेरिएबल जो है वो सभी अलग कर देंगे। तो यहां पे मल्टी पी मल्टी क्यू मल्टी आर, यानी ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो गया 2 4 8 और 8 8 64 मल्टी, यहां क्या आ गया पी क्यू आर, यानी आंसर क्या हो जाएगा 64 PQR, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की, तो अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड किस तरह से करना है, एक्स वाई 2x² और 2xy². तो लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, और ज्यादा से ज्यादा क्या करना है आपको, शेयर कर देना, क्योंकि यहां पे जो भी मिलने वाला है आपको बहुत ही बेहतरीन चीजें ही मिलने वाली है। तो देखो एक्स वाई और 2x² किस तरह से करना, तो वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्सेस इज इक्वल टू एल मल्टी बी मल्टी एच, ये तो सभी के अंदर आपको लिखना है। आपको लिखने की इच्छा है तो आप लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहते हो तो आपका डायरेक्ट आप कर सकते हैं, जैसे आप लिख सकते हैं एल मल्टी बी मल्टी एच इज इक्वल टू, सीधा आप ये मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे किस तरह से करना है, मैंने जैसे किया वैसे करोगे तो एग्जामिनर जो भी होगा आपका वो बहुत ही अच्छे नंबर आपको
देने वाला है। तो देखो यहां पे एक्स वाई मल्टी टू एक्स स्क्वायर वाई मल्टी टू एक्स वाई स्क्वायर। अब इसको कैसे लिखना है जानना, ऐसे डायरेक्टली भी अपन आंखों से भी कर सकते हैं मगर आंखों से आंसर नहीं देना है क्योंकि लिखोगे तो ही नंबर मिलने वाले हैं, ठीक है। यानी यहां पे देखो, यहां पे क्या यू समझो, वन है, क्या है वन है इसके साथ, यानी मैं इसको अलग कर देता हूं, वन मल्टी टू मल्टी टू, यानी डिजिट डिजिट मैंने सभी यहां पे अलग कर दी है, ध्यान रखना। तो यहां पे आप देखो, अब यहां पे क्या x और y, यानी x मल्टी y, x मल्टी y है तो x मल्टी y लिख दिया, फिर यहां पे क्या लिखा है x स्क्वायर मल्टी y, फिर यहां क्या लिखा है, यहां पे लिखा x मल्टी y स्क्वायर, ठीक है। अब किस तरह से करना देखो, तो यहां पे 2 टू 4 और 4 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो क्या आएगा 4। अब देखना x और यहां पे x स्क्वायर और यहां पर x, यानी कितनी बार x है यहां पे, यहां पर दो बार है और यहां पर एक और दो, यानी कितनी बार होगा टोटल 4 बार, यहां पे लिखेंगे x की पावर 4, ठीक है। फिर y y यानी y स्क्वायर, फिर y स्क्वायर यानी y स्क्वायर मतलब y स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो यहां पे हो जाएगा y की पावर 4, यानी आपका आंसर क्या होगा 4 मल्टी क्या हो जाएगा, यानी 4 x की पावर 4 और y की पावर 4, ये हो गया आपका आंसर। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर, इसमें 4 क्वेश्चन नंबर आपके सामने क्लियर करते हैं। तो देखना इसके बाद आपको होमवर्क आपको देने वाला हूं, एक दो क्वेश्चन वो भी आपको करना होगा। तो आइए मेरे मित्रों यहां बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, शेयर नहीं किया तो जल्दी से शेयर कर दीजिए। a मल्टी 2b मल्टी 3c, तो यहां पे क्या हो जाएगा a मल्टी 2b मल्टी 3c, ठीक है। ये वो कि वही आपको लिखना, बार बार कहने की जरूरत नहीं है। अब देखो यहां पे क्या है, इसके साथ 1 है, यूं समझो क्या है, 1 है या नहीं है एक ही बात है, तो 1 लिख देते हैं यहां पे, 1 मल्टी यहां से 2 और यहां से 3, ठीक है। फिर यहां पे क्या बच गया a मल्टी b मल्टी सी, इस तरह से आपको लिखना होगा, ठीक है। डायरेक्टली अपन कर सकते हैं और इस तरह से आपको लिखना होगा, थोड़ा सा लिखकर बताओगे तो उसको समझ में जल्दी आ जाएगा। तो 3 टू 6, 6 और 1 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने पर 6 आएगा, और यहां पे a मल्टी b मल्टी सी यानी a b c, ये क्या हो गया इसका आंसर हो गया, ये हो गया आपका आंसर। तो मैंने यहां पे क्वेश्चन 4 पूरा आपके सामने कंप्लीट कर दिया है, तो आप इसको शेयर कर दीजिए और अच्छे से उतार लीजिए, नहीं उतारना तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद आप घर बैठकर आराम से उतार कर अपना काम कर सकते हैं। तो अब मैं देने वाला हूं आपको होमवर्क, इसके अनुसार आपको क्वेश्चन दूंगा, उन क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से मुझे आंसर देना होगा मित्रों, क्योंकि आपकी तैयारी कैसी है वो भी हमें पता चले। तो देखो आपके सामने देने वाला हूं होमवर्क, तो ये है आपके सामने होमवर्क, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है आपके सामने 4q 3p और 3z, फिर सेकंड है 3xy स्क्वायर 5y स्क्वायर x और 7, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है z स्क्वायर x 3y स्क्वायर z सॉरी 3y स्क्वायर x और 18, तो ये क्वेश्चन आप जल्दी कीजिए और इनका आंसर आप जल्दी कमेंट सेक्शन के अंदर आपको देना होगा, ठीक है। देना इसलिए जरूरी है कि मुझे पता चले आप किस तरह से पढ़ाई कर रहे हैं और क्या क्या आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, ख्याति क्लासेस।